और अब खबर नंदू भैया के निधन की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, खंडवा से बीजेपी सांसद, मध्य प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान नंदू भैया का निधन हो गया। कोरोना से संक्रमित थे, रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी उनकी हालत लगातार गंभीर बनी रही और इसके बाद पहले भोपाल के चिराई अस्पताल में उनका इलाज चला और फिर जब हालत और बिगड़ी तो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल उनको रेफर किया और आज सुबह उन्होंने वहां अंतिम सांस ली। नंद कुमार सिंह चौहान का जन्म 8 सितंबर 1952 को शाहपुर में हुआ था। फिलहाल वे खंडवा से बीजेपी सांसद थे। दोपहर के बाद आज उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से भोपाल लाया जाएगा। भोपाल के बीजेपी दफ्तर में उनकी पार्थिव देह को रखा जाएगा, उन्हें सभी श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे और शाम को उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक ग्राम शाहपुर तक ले जाया जाएगा। कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। नंद कुमार सिंह चौहान ने जिस तरह की सेवाएं दी, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में संभाला, उपलब्धियों तक पहुंचाया, इसके बाद प्रदेश इकाई में बेहद दुख की घड़ी है। मुख्यमंत्री ने इसे उनके लिए पर्सनल क्षति के तौर पर देखा, श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके निधन से जनता ने अपने सेवक को खोया है, प्रदेश ने अपने नेता को खोया है, पार्टी ने अपने कुशल संगठक को खोया है और मैंने अपने एक भाई को खोया है। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। नंदू भैया की सूचना मन को बहुत दुखी करने वाली सूचना है। लगातार सांसद रहना, विधायक रहना, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहना, पद का अहंकार कभी छुआ नहीं उन्हें। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति और परिवार को यह गहन दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। दुखद सूचना हम लोगों को मिली है। हमारे पार्टी के यशस्वी नेता नंदू भैया हमारे बीच में नहीं रहे, बहुत ही क्षति पार्टी को हुई। वरिष्ठ नेता, सांसद, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, आज हमको बहुत बहुत गहरा दुख है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो उस दिव्य आत्मा को शांति प्रदान करें। बीजेपी के लिए अपूर्णीय क्षति है। नंदू भैया जन नेता थे। अभी जो दो उपचुनाव हुए, एक नेपा नगर का चुनाव था, एक मानधाता का चुनाव था, मेरे व्यक्तिगत भी क्षति है। मैं देखा नंदू भैया ने कहा आप इनको टिकट दीजिए, मैं अपनी गारंटी पे जिता के लाऊंगा और नंदू भैया जी कोई सामान्य गति से जिता के नहीं लाए, 20,000 रुपए से जिता के लाए। ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से, पार्टी के लिए और प्रदेश और देश के लिए सच्चा जनसेवक हमने खो दिया, ये अपूर्णीय क्षति है। हम सब बहुत दुखी हैं क्योंकि नंदू भैया हम सबके बड़े भाई थे। वो कार्यकर्ताओं के लिए, जनता के लिए 2400 घंटे जीते थे। मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनसे जुड़ा हुआ था। किसी भी व्यक्ति की कितनी कठिन समस्या हो उसको पूर्ण संतुष्ट करके भेजना, छोटी छोटी बात को लिख करके रखना और समय रहते उसका उपचार कराना, ये उनकी अपनी खासियत रही है। निमाड़ के हमारे एक जुझारू नेता का जाना भाजपा के लिए भी, भाजपा के साथ साथ पूरे प्रदेश की राजनीति के लिए एक गहरा सदमा है, नुकसान है। मैं परमपिता बाबा महाकाल से कामना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। हमारे प्रदेश के लिए बड़ी दुखद घटना है कि हमारे पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नंदू भैया का ना रहना आज हम सब लोगों को बड़ा दुखित है, क्योंकि हम एक छोटे से कार्यकर्ता को उनका हमेशा सम्मान मिला, उनका प्यार मिला। पहली बार मैं विधानसभा जीत के आया, निर्दलीय होने के बाद भी उन्होंने मुझे एक पार्टी के विधायक के रूप में स्वीकार करते हुए मुझे हमेशा बढ़ने का मौका दिया।